खबर के प्रायोजक हैं बेकर्स बेक। आपके शहर में पहली बार बेकर्स बेक आपके लिए लेकर आया है एगलेस केक एंड फूड। आप किसी भी तरह का डिजाइन ऑनलाइन और 15 मिनट में केक तैयार करवाएं। केक, पेस्ट्री, पेटीज, स्नैक्स, बिस्कुट, पिज्जा, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका पसंदीदा बेकर्स बेक नियर मंडी समिति, रजवाहा रोड। बर्थडे पार्टी के लिए ऑर्डर करें कॉन्टैक्ट 8791247। सहारनपुर राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के जिलाध्यक्ष संजय वालिया ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि लाखों रुपए का घोटाला करने वाले अधिकारियों को विभागीय अधिकारी बचाने का काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित विद्युत फीडर आज भी बंद पड़े हैं, जबकि विभाग द्वारा उनका भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि शीघ्र ही इन घोटाला करने वालों के खिलाफ कार्यवाही न की गई तो 15 नवंबर से पोल खोल अभियान चलाया जाएगा। पंचायती राज संगठन के जिलाध्यक्ष संजय वालिया ने आज अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि जी बताइए साथियों, आपके माध्यम से एक गंभीर विषय पर बातचीत आज करना चाहता हूं। बिजली विभाग के द्वारा लगातार आम उपभोक्ताओं का उत्पीड़न करना और अपने अधिकारी जो गलत काम भी करते हैं, जिनके ऊपर जुर्माना भी लगता है, उन सबको माफ करना मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। अभी तत्काल ही आईटीआई बिजली घर पर एक धर्मेंद्र जी थे, जिन्हें रामपुर ट्रांसफर कर दिया गया, उनके एक जांच बैठने का काम हुआ। जांच बैठने पर एक्सचेंज के द्वारा 11,49,419 रुपए का उन पर जुर्माना लगने का काम हुआ, लेकिन एससी के द्वारा किन आधार पर, किन तथ्यों के आधार पर जो दोषी भी पाया गया, इस पर जुर्माना लगने का काम भी हुआ, उसे माफ करने का काम कर दिया गया। एक कमेटी गठित करने के नाम पर गोलमाल कर उसे गायब करने का काम कर दिया गया। साथ ही हम पूछना चाहते हैं ये दोहरी नीति किस काम की। एक तरफ आप आम उपभोक्ताओं पर अगर कहीं तार में कट भी लगा मिलता है तो आप उसकी पुलिस एफआईआर करने का काम करते हैं, आप उसे 1-1.5 लाख का जुर्माना लगाने का काम करते हैं, उस पर ना भी हो माफ करने का काम नहीं करते। एक तरफ आपके अधिकारी लगातार गलती पे गलती करते हैं और इस बार तो एक्सचेंज के द्वारा कमेटी गठित कर दोषी पाए जाने पर उस पर इतना बड़ा जुर्माना लगाने का काम आपने माफ करने का काम कर दिया। दूसरा एक और मुद्दा जैन बाग बिजली घर का है। टाटा कंपनी के द्वारा 3 फीडर लगाने का काम हुआ, जिसमें करोड़ों की बजट था, करोड़ों रुपए टाटा कंपनी को देने का काम किया गया। हम पूछना चाहते हैं जब तक वो काम पूरा नहीं हुआ था उस कंपनी को पैसे देने का काम कैसे हुआ। इसमें भी बहुत मोटा लेन देन होने का साक्ष्य सामने आने का काम हो रहा है। आज तक भी टाटा कंपनी को पैसे दे दिए गए और वो फीडर चालू नहीं हुए। हम पूछना चाहते हैं अपने बड़े अधिकारियों से कि क्या इसी तरीके से अपने अधिकारियों को बचाने का